दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इंडिया के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है और इसके फेज वन का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब बचता है इस एक्सप्रेसवे का फेज टू, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आगे आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, 701 किलोमीटर लंबे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को बेसिकली 16 पैकेजों में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 520 किलोमीटर लंबे नागपुर से सिरणी तक के फेज वन को 11 दिसंबर 2022 को ओपन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 10 पैकेज आते हैं। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के फेज टू के कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। दोस्तों, 181 किलोमीटर लंबे फेज टू को बेसिकली 6 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था, जो 11th पैकेज से 16th पैकेज तक आते हैं। इसका 11th पैकेज 33 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 21 किलोमीटर का पैच सिरणी इंटरचेंज तक फेज वन में ओपन हो चुका है, जबकि बचा हुआ 12 किलोमीटर का पैच फेज टू में आता है। इस पैकेज का कॉन्ट्रैक्ट राज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है। इस एक्सप्रेसवे का 12th पैकेज 45.6 किलोमीटर लंबा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के पास है, जबकि इसका 13th पैकेज भी 45.6 किलोमीटर का है और इसका कॉन्ट्रैक्ट BSCPL और GBPRJB कंपनी के पास है। इस एक्सप्रेसवे का 14th पैकेज 13.1 किलोमीटर लंबा है और इसे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसका 15th पैकेज 28 किलोमीटर का है, जिसे NEC कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का लास्ट 16th पैकेज 37 किलोमीटर लंबा है, जिसे NEC कंपनी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे 11th और 12th पैकेज की अपडेट। अगर बात करें 11th पैकेज की तो अभी इस पैकेज का काफी काम बाकी है, जैसे कैनाल ब्रिज, आरी वॉल, क्रैश बैरियर और कुछ जगहों पर DLC कार भी किया जा रहा है। परंतु दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस फेज के सभी स्ट्रक्चर पर कंस्ट्रक्शन वर्क एक साथ और तेजी से चल रहा है। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे के पैकेज 12 की तो 45.6 किलोमीटर लंबे इस पैकेज को दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इस पैकेज का 100% वर्क कंप्लीट हो चुका है, यानी यह पैकेज ट्रैफिक मूवमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। पैकेज 11 के कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस एक्सप्रेसवे पर नागपुर से सीधे नासिक तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि समृद्धि महामार्ग के फेज टू को पूरा नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेजों में ओपन किया जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के फेज टू के और पैकेजों का अपडेट देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।